हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर। मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशंस के लिए, सीयूईटी के थ्रू पीजी एडमिशंस के लिए जो लिस्टें आई हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। क्या कट ऑफ रहा है और किन किन लोगों का एडमिशन हो गया है, क्या सेकंड लिस्ट कोई आएगी, फ़ीस जमा करानी है तो कब तक करानी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि केवल मणिपुर की अगर बात करें तो अभी तक केवल 3 डिपार्टमेंट से जो पीजी लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो आई है। कौन कौन सी? एक फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और एक है एमबीए की, है ना। तो मैं इन तीनों के बारे में बात करने वाला हूँ। बाकी आप अपने जो भी कंसर्न आपका प्रोग्राम है उसको लेकर, अगर आपने मणिपुर में अप्लाई किया हुआ है तो लगातार मणिपुर की जो साइट है उसको विज़िट करते रहना। हो सकता है आज रात तक, कल तक ये जो लिस्ट हैं पीजी एडमिशंस की, ये सारी अपडेट हो जाए, है ना। वहाँ पर दो लिस्ट हैं, एक तो है सीयूईटी के थ्रू और एक मणिपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। तो जिन्होंने सीयूईटी के थ्रू दिया है वो सीयूईटी वाली देखना। तो हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की, बात कर लेते हैं। बात करें उसके पहले, जो भी लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ये सभी के लिए है, और शेयर भी कर देना। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर स्कोर की बात करें तो अनरिजर्व में अगर बात करूँ तो यहाँ पर वेटेज ये, एक तो सीयूईटी का स्कोर लिया है ना, ए पार्ट का स्कोर, फिर बी पार्ट का स्कोर, तो टोटल स्कोर है 192। ये फिजिक्स की बात हो रही है भाई। और ग्रैंड टोटल जिसमें ये 9-7 नंबर किसके जोड़े हैं, ये जोड़े हैं पीसी ऑफ मार्क्स, एनएसएस, एनसी, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये कौन से मार्क्स जोड़े हैं मेरे को नहीं पता, तो इनका वेटेज जोड़ा है कुछ, ये क्या मार्क्स हैं। तो इसके हिसाब से ग्रैंड टोटल इसका 191 बना है, 99, और जो लोएस्ट है जनरल की वो है 176, ठीक है। फिर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल 165 है टॉप और 152 है क्या, 152 लोएस्ट है। एसटी की बात करें तो 115 और 93 लोएस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 163 और 150। अब सवाल ये है कि ये इतने कम सीटें क्यों हैं, तो देखो यहाँ पर दो चीज़ों से सीट फिल की जा रही है, एक तो एमयूईटी यानी कि मणिपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कुछ सीटें उसमें चली गई हैं और कुछ सीटें फिल की जा रही हैं किससे, सीयूईटी से। तो इसलिए जो सीटें हैं वो बट गई हैं, इसलिए यहाँ पर जो सीट्स हैं वो कम हैं, क्योंकि काफ़ी सारी सीट्स जो है वो एमयूईटी में चली गई और ऑलरेडी उसकी डेट चली गई है, उसकी काउंसलिंग भी डेट सेम टाइम पर चल रही है, इसलिए ये सीटें कम आ रही हैं। तो जो भी लोग जिन्होंने मणिपुर के लिए अप्लाई किया था तो एक बार वो देख लेना लिस्ट में नाम है या नहीं है। सेकेंड लिस्ट जो भी निकलेगी वो निकलेगी 28 तारीख के बाद, क्योंकि फ़ीस सबमिट करने की, फिज़िक्स की फ़ीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख है। मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, द अबव कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिस, आपको फिजिकली विजिट करना है ऑफिस को, ऑफ द अंडर साइन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है फॉर वेरीफिकेशन। द पेमेंट ऑफ द फी मे बी मेड, पेमेंट आप कर सकते हैं ऑनलाइन यूजिंग द क्रेडेंशियल यूज ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, परंतु आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। द अबव प्रोसेस शुड बी कम्प्लीटेड बाई 28 अक्टूबर, ये जितनी भी प्रोसेस है पेमेंट जमा कराने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 28 तारीख तक आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, फिजिक्स की। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री में भी जो मार्क्स हैं वो टोटल जनरल की मैं बात करूँ तो 191, जनरल की हम बात करें तो ये है 191 टॉप में, और फिर हम बात करते हैं लोएस्ट जो है 158 है, ठीक है। ओबीसी में हम बात करते हैं 146 और यहाँ पर है 138। हम बात करें अगर एसटी में तो ये है 127 और 105। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 153 और 142। केमिस्ट्री वाले लोगों को फ़ीस जो है वो 31 अक्टूबर तक जमा करानी है और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेने हैं फिज़िकली वहाँ पर जाकर। फ़ीस आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं और डॉक्यूमेंट आपको 31 तक या उससे पहले पहले फिज़िकली वेरीफाई कराने हैं कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से। एमबीए की बात करें तो एमबीए में यहाँ पर कोई नाम नंबर तो दिए नहीं है, सीधे सीधे नाम लिख के दे दिए हैं, तो वो नाम पढ़ लेना आप। अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, और ये सीधे नाम है तो ऐसे कोई नंबर नहीं है जिनको मैं आपको बता दूँ।
वो तो आपको ही करना है। एमबीए वालों को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो लास्ट डेट इनके लिए 3 नवंबर है, ये एक्सटेंडेबल नहीं है। इनका जो इंडक्शन प्रोग्राम है यानी कि 10 नवंबर 11 बजे इनका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, फिर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा। टोटल अमाउंट एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस होगी वो 21,000 रुपये होगी, और उसके बाद फर्दर द कैंडिडेट्स हु पास्ड आउट द ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ अदर देन मणिपुर के अलावा जो किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उसको 500 रुपये अलग से देने पड़ेंगे फ़ीस के। यानी कि मणिपुर से जो पढ़ के एमबीए में एडमिशन ले रहा है वो 21,000 रुपये, मणिपुर से दूसरी यूनिवर्सिटी वाला कोई एडमिशन ले रहा है तो उसके 21,500 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस है। तो ये था किसके लिए, मणिपुर के लिए। तो जिन लोगों ने मणिपुर के लिए अप्लाई किया था फिज़िक्स केमिस्ट्री और एमबीए के लिए, तो वो देख लेना अपने नाम लिस्ट में है या नहीं है, सीटें कम हैं यहाँ पर जो भी लिस्ट आएगी अब वो कंसर्न डेट दे रखी है उनके बाद ही आएगी, यानी कि 31 के बाद ही वो लिस्ट वगैरह जो भी निकलेंगी सेकेंड थर्ड वो 31 के बाद निकलेंगी। जिन भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और